पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। भारत के पहले नास्तिक केंद्र आंध्रा के विजयवाड़ा पटपटा के संस्थापक श्री गौरा जी से लिखी हुई नास्तिकता की आवश्यकता पुस्तक से कुछ अंशों को आज हम जानेंगे। नास्तिकता हर व्यवस्था और हर रंग में विस्तार हो रही है। नास्तिकता की महत्व को सामान्य जनता भी बहुत आसानी से जान सकती है, पहचान सकती है, समझ सकती है। नास्तिकता की समग्र रूप को दश दिशाओं में फैलाने से ही समाज में समानता पा सकते हैं। राजनैतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक या सामाजिक या किसी भी रंग में सही और पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने के लिए नास्तिकता की बड़ी जरूरी है। इसलिए इस विभिन्न रंगों में एक साथ सही और पूर्ण वृद्धि प्राप्त करने के लिए नास्तिकता की आवश्यकता कैसी है, इस विषय को आज हम जानेंगे। गलत और बुरे अर्थों से ढकी हुई नास्तिकता अभी अभी अपने ऊपर के आवरण को चीरती हुई बाहर आ रही है। अब नास्तिकता से ऐसी स्थिति का बोध हो रहा है कि आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, नैतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मानव जीवन को प्रगति पथ पर ले जाने वाले मार्ग बने। आज तक के मानव जीवन की प्रगति एक समान नहीं रही। मानव की समस्याएं आर्थिक क्षेत्र में सुलझकर उसका जीवन आगे बढ़ा तो राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गया, वैसे ही राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा तो आर्थिक क्षेत्र में प्रगति रुक गई। इस तरह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों की प्रगति एक साथ ना होकर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने पर दूसरे क्षेत्र कुंठित हो जाती है। अक्सर राजनीतिज्ञों में नैतिक स्तर नहीं होता है। वैज्ञानिक लोग आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। आर्थिक समता के लिए काम करते समय राजनीतिक तानाशाही उठकड़ी होती है। राजनीतिक तौर पर जनतंत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाले यत्नों में आर्थिक असमताएं जैसे के तैसे रह जाती है। इसलिए आज हमें अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। अब तक लोग अपने को किसी बाहरी शक्ति का निर्माण करके उसके गुलाम बनते आए हैं। भगवान का निर्माण किया, इंसान को उसका गुलाम बनाया, कर्मवाद की रचना की, परिस्थितियों का जाल तैयार किया, आखिर सामाजिक रिवाजों को अमल में लाया, अब सरकार को चुनकर नियुक्त किया, उनका भी गुलाम बन गया। ये सब काम किए नागरिक ने और वही नागरिक आज अपने को उन्हीं का गुलाम मान रहा है। आज नागरिक में नई जागृति आने की समय आ गया है। इसके लिए जनता को इन विषयों पर जागरूक होने की आवश्यकता है कि सरकार हमारे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं। कानून बना जनता के लिए, जनता कानून के लिए नहीं। संविधान को रचाया जनता के लिए, हम संविधान के लिए नहीं। वैसे ही समाज की रीति रिवाज व्यक्ति की भलाई के लिए बनी, व्यक्ति रीति रिवाजों के लिए नहीं बना। अगर इस तरह की नई जागृति फैलेगी नहीं तो नागरिक गुलाम बन जाएगा। मुट्ठी भर लोग मंत्री बनकर, राजनीतिक पक्षों के नेता बनकर, सामाजिक सुधारक बनकर करोड़ों नागरिकों को अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रहे हैं। नई जागृति से, नई विचारों से, नए त्याग के साथ जीवन के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे तो इंसान इंसान नहीं रहेगा। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा और समानता को खोकर गुलाम बनकर रह जाएगा। इसके लिए नास्तिकता को अपनाना व्यक्ति के लिए बड़ी जरूरी है। अगले एपिसोड में गौरा जी के बारे में अनेक विशेष जानेंगे। धन्यवाद। फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल पॉजिटिव एथिज्म एंड एक्टिवेट द बेल आइकॉन।